कानून घर तोड़ देता है जमीन से, समझे कि नहीं? तोड़ के उस पर धान फेंकवा दिया जाता है, सरसों फेंकवा देती है, क्रिमिनल बख्शा नहीं जाता। वो एसपी भी होगा तो उसको नहीं बख्शने जाएंगे। पूरा परिवार प्रभावित हुआ है, उसको हम लोग बख्श देंगे? आप क्या समझ रहे हैं? हम लोग बख्शते नहीं है क्रिमिनल को। क्रिमिनल जी सर, ये हमारे एसपी साहब ने हमें एश्योर किया हाईकोर्ट में, अभी फोन काट रहे हैं बेचारे, होंगे डॉक में होंगे, कोर्ट के अंदर होंगे, तो कोर्ट के अंदर फोन अलाउड नहीं है, फोन काट रहे हैं अभी। उन्होंने हमें कहा कि मिश्रा छोड़ दो पूजा, अभी मंदिर तुम दर्शन कर लिए ठीक है, जितना कर लिए अब घर जाओ, वाइफ को घर भेजो। मैंने अपने वाइफ को घर भेज दिया और जैसे था वैसे ही मैं चला आया कि भाई आप लोग हमें, और आप लोगों ने हमारी लाज रखी, हमारी बात रखी, तो हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपकी बात रखें। हमारे एसपी साहब के एश्योरेंस है। कितने दिन के अंदर आप बोले भरोसा करिए, भरोसा करिए, बचेगा नहीं, नहीं तो कानून घर तोड़ देता है जमीन से, समझे कि नहीं? तोड़ के उस पर धान फेंकवा दिया जाता है, सरसों फेंकवा देती है, क्रिमिनल बख्शा नहीं जाता है। थोड़ी व्यवस्था तो जरूर रहती है हम लोग। अब आप हम लोग को फ्री किए, अब हम लोग एक्शन देखे, अब आप लोग से विनम्र निवेदन है जो मृतक आत्मा है उनको ईश्वर शांति दे। लौट नहीं सकता बेचारा, हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लौटा तो नहीं सकता, लेकिन बदला कानून छोड़ता नहीं है। क्यों उनकी आत्मा की शांति के लिए जो आपके धर्म, जो भी आप धर्म नियम मानते हो उस हिसाब से आप अपना कार्य करें, जो भी अंत्येष्टि का कार्यक्रम है वो आप करें, शेष जो पुलिस का एक्शन है वो हम लोगों पे। बात समझ गए? सर एक बात का मेरा, इस थाना परिवार जो आपने किया निर्मला निर्मला, हाँ हाँ, इन्होंने सर उस दिन भी पता चल गया कि अगर उस दिन हम इसकी जांच करेंगे बाबू। नहीं नहीं सर, जांच तो अभी से होगा, लेकिन जो पीछे डिले हो गया उन्होंने डिले किया उसमें बंदा, जांच में जो गलत पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाता। तीन दिन का आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूँ कि बाकी का तो मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एक यादव है जो होमगार्ड की बात हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं बगल में घर है, वो तो जेन्युइन आदमी है, वो तो सरकारी आदमी है, क्या आप उसको अभी 24 घंटा पकड़ सकते हैं सर? वो था घटना, उसका बाप है, लड़का का बाप है, वो क्यों नहीं आ गया? हाँ उसका लड़का हमारे पर छोड़िए ना, क्या एक्शन कर रहा है भाई साहब? आपने मुझे जिम्मेदारी, 24 घंटे अंदर आप पकड़ सकते हैं सर? आपने मुझे दायित्व दिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, हम अपने दायित्वों को अच्छी तरीके से समझते हैं। चालू होगा जो भी संलिप्त होगा, क्या करना है?